भाई वाह, मक्खन निकाल रही है मेरी भाभी। या तो माँ के राज में खाया था मक्खन, और या फिर तुम्हारे राज में। भाभी मुंह धोकर आ पहले, मैं तेरे बाप की लौंडी नहीं जो तेरे लिए मक्खन निकाला करूँ। मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रही हो, थोड़ा सा दे दो, भूख बहुत जोर से लग रही है मुझे। अरे जा भाट के चेले, बड़ा आया मक्खन खाने वाला। छोड़, मैं कहती हूँ। इतना सा? बिल्कुल इतना। मक्खन खाकर ऐसी मुरली सुनाऊंगा भाभी के नाचने लगोगी। हाय राम, तूने मुझे नटनी समझा है। आने दे उन्हें, ऐसा पिटवाऊंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। मैं दूध नहीं मक्खन मांग रहा हूँ। तू जैसे निखट्टू को मक्खन नहीं जूता चाहिए, जूता। छोड़ छोड़, मैं कहती हूँ। मैं अपने बाप की बेटी हूँ तो तुझे चखने भी ना दूंगी। मैं अपने बाप का बेटा हूँ तो खाकर ही रहूंगा। ये बात है? हाँ यही बात। छोड़ छोड़, मैं तो डाला तेरा सत्यानाश, मौत क्यों नहीं आ जाती तुझे? मैं मर गया तुझे नखरे किसे दिखाओगी भाभी? एहसान मानो को तुम्हें मुझ जैसा शरीफ देवर मिला है। अरे जा रे शरीफ के सगे, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। काम काज के लिए जब पहाड़ जैसा भाई और भैंस जैसी भाभी मौजूद है तो मुझे हाथ पैर हिलाने की जरूरत? कमाने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत है तुझे। कोड़ी काम चोर, लाज नहीं आती हराम की रोटियां तोड़ते हुए? बस भाभी, तुमने ताना नहीं दिया, तमाचा मारा है मेरे मुंह पर। आज मालूम हो गया कि तुम मुझे देवर नहीं दीवार समझती हो अपने रास्ते की। तो फिर मुझे चोटी से पकड़कर बाहर क्यों नहीं निकाल देता? तकदीर फूट गई थी मेरी, जिस घर में कदम रखा तेरा बस चले तो जान से मार डाले मुझे। निकाल जूता, मार मार, मारता क्यों नहीं? क्या है, क्या बात है? जब सुनो मातम, जब देखो टिस्वे। माँ बाप ने जहेज में यही देकर भेजा ना तुम्हें? हाय हाय, मेरे आंसुओं पे तो झटती निकाह पड़ गई। भाई के जूते की तरफ नहीं देखा, मुझसे ये रोज रोज की बेइज्जती नहीं सही जाती। बेइज्जती क्या बक रही हो तुम? त्रिया चित्र का जाल बिछाकर भाई को भाई से जुदा करना चाहती हो? तुम समझती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाय राम, मैं मर क्यों ना गई? घर का घर दुश्मन हो गया है मेरा। अब मेरी लाश तेरे हाथ में है भगवान। भगवान झूठों का साथ नहीं देता भाभी, तुम इस घर में फूट डालने की कोशिश मत करो। देख लो किस तरह आंखें दिखा रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं भी बड़े बाप की बेटी हूँ, कान खोल कर सुन लो। अब इस घर में ये रहेगा या मैं? तुम ही रहो भाभी, ये घर तुम ही को शोभा देता है। मैं कहीं और चला जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो स्वरूप? रुक जाओ, मैं कहता हूँ। जाने दो भैया, मैं समझ गया हूँ कि अब मेरे पहुंच घर में नहीं दिख सकते। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने माता और पिताजी को वचन दिया था कि मैं तुम्हें अपनी छाती से लगाकर रखूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तो फिर मैं ही चली जाती हूँ, गले का हार बनाकर रखना इसे। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ मगर भाई को नहीं छोड़ सकता। नहीं भैया, भाभी इस घर की लक्ष्मी है, इन्हीं के दम से इस घर की शोभा है। आपको इन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना है। भाभी को सुखी देखने के लिए मुझे ही इस घर से जाना होगा। कब से कह रहा है जाना होगा जाना होगा, जाता क्यों नहीं फिर? जा रहा हूँ भाभी। शंकरी, तुम बहुत बदजबान हो गई हो, माफी मांगो स्वरूप से। माफी मांगती है मेरी जूती? मैं तो मुंह भी ना लगाऊं उसे, निखट्टू कहीं का। मैं स्वरूप के खिलाफ अब एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं, समझी? तो फिर कानों में उंगलियां डाल लो, निखट्टू को तो निखट्टू कहना ही पड़ेगा। इन्हें कहाँ ले चला? छोड़, ये तेरे बाप की कमाई के नहीं। शरीर औरत, अब तू मेरे बाप दादा तक पहुंच गई, मैं पसलियां तोड़ दूंगा तेरी। मुझे हाथ ना लगाना, मुझे हाथ ना लगाना कह देती हूँ, गुस्से की बड़ी वो हूँ मैं भी। तूने आज तक अपना ही गुस्सा दिखाया है, आज तुझे मेरा गुस्सा भी देखना पड़ेगा। Thank you.
क्या मालूम था यहाँ जवानी की धूड़ हो रही है? बकवास जी, बदतमीज बेहुदा। देवी जी, अरे मर गया, क्या कर रही हैं? अरे बाप रे, सुनिए तो, अरे मैंने कहा मर गया मतलब बाप रे। ओह मेरी टांग। यही है तुम्हारी सजा। सजा देखिए, अब सहारा भी दीजिए। देखिए टांग टूट गई है मेरी। ओ टांग टूट गई है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल। मेरी माँ। हाय राम, गरीब को मुंह क्या तक रही हो? अच्छा तो फिर उठो। बापू क्या है, कौन है ये? बापू इस गरीब राही को कोई दवा दारू दीजिए, टांग टूट गई है बेचारे की। हल्दी चूना लगा ले, ठीक हो जाएगा। हल्दी चूना मैं लाती हूँ। मैंने पूछा काम क्या करते हो? जी बेकार हूँ भगवान की दया से। 6 फुट का जवान, ये चौड़ी छाती और बेकार घूमते हो? मर्द के लिए बेकार रहना बहुत बुरी बात है, कुछ मेहनत मजदूरी करो भाई। मेहनत मजदूरी है कहाँ, कोई पूछता ही नहीं। पेट भरने का सहारा हो जाता तो और क्या चाहिए था। पेट ही भरना है तो हमारे खेतों पर चले जाओ, कौवे उड़ाया करना, क्या तनख्वाह लोगे? अजी पेट भरने को ही मिल जाए तो बहुत है। बस तो आज से तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त हमारे जिम्मे और हमारे खेतों की देखभाल तुम्हारे जिम्मे। 5 रुपए महीना तनख्वाह भी मिलेगी। जी माला, आज से ये शरीफ आदमी अपने खेतों की रखवाली करेगा, साथ ले जाकर झोपड़ी दिखा दो, वहीं रहेगा आराम से। बहुत अच्छा, उठो जी। चलो जी। मैंने कहा भैया जी, ये नया जानवर कौन था? राही है बेचारा, मैंने खेतों की देखभाल के लिए नौकर रख लिया है। होशियार रहना, आदमी चालाक मालूम होता है। अरे नहीं भाई, बहुत सीधा है बेचारा। ये रहे हमारे खेत और ये रही तुम्हारी झोपड़ी। यहाँ कोई और भी रहता है? हाँ हाँ, कौवे, मेंढक, गीदड़, तोते, सभी किस्म के जानवर रहते हैं यहाँ। और खाने पीने का इंतजाम? वो भी हो जाएगा। ये क्या है? बंसरी, सुनोगी? हाँ। वाह, बांसुरी है या रस की धारा। सिर्फ सुनना ही जानती हो या कुछ गाना भी आता है? हम बंसरी बजाते हैं, तुम गाना गाओ, मंजूर? मंजूर। जिया
आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन हो। जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। तेरी जिया लागा बलम हो, मुरली से तेरी जिया लागा बलम हो, लागा बलम। आँखों में तू है नहीं अब कोई गम हो, आँखों में तू है नहीं अब कोई गम, नहीं अब कोई गम। ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। ओ बंसी वाले तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम। आज सुना दे वो धुन जरा, रुम झुम सावन की बरसे खटा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। अभी तक जाग रही हो, क्या बात है? मैं कुछ सोच रही हूँ बापू। वो क्या? मैं ये सोच रही थी बापू कि अब तो कौवे हमारे खेत में बिल्कुल नहीं आएंगे और फसल भी दुगनी हो जाएगी। हाँ हाँ जा सो जा जाके। बापू खटमल मच्छर, हाँ देने वाले तुमने मुझे सब कुछ दिया है, नौकरी भी, रोटी भी, खटमल भी, मच्छर भी, और भी बहुत कुछ दिया है। मैं खाना देने जा रही हूँ बापू, बेचारा भूखा पड़ा होगा। जल्दी आना। जी। क्यों भाई साहब, इस नई बीमारी का मतलब? बीमारी कैसी? जवान लड़की नौकर का खाना लेकर रोज खेत में जाया करेगी। भैया जी इस बात को तुम सहन कर लो, मैं नहीं सहन कर सकता। तुम्हारी खोपड़ी जब सोचती है उल्टा ही सोचती है, पहले अपने बहन का इलाज करो। है? ए जी अजी ओ, मैंने कहा क्या नाम है आपका, कहाँ हो? कितनी देर से पुकार रही हूँ, कहाँ चले गए थे? हैं? इसे क्या हुआ? भेड़िए के पंजे से छुड़ा कर लाया हूँ, देखो किस तरह जख्मी कर डाला है बेचारे को। हल्दी चूना लगा दो, फौरन ठीक हो जाएगा। तुम्हें हर बीमारी का इलाज हल्दी चूना ही आता है। बहुत अच्छी चीज है, तुम खाना संभालो, मैं अभी लाती हूँ। हाँ
सिर्फ रोटी कपड़े पर कौए उड़ाया करेगा। क्या हुआ, क्या बात है माला? जख्मी हो गया है, बुरी तरह जख्मी हो गया है। जख्मी हो गया? कौन जख्मी हो गया? मेरे बेजबान साथी, तू भी घायल और मैं भी घायल। घायल का दुख घायल जाने और न जाने कोई। झटपट लगा दो, बस फौरन लगा दो, देखते ही देखते अच्छा हो जाएगा। अब तुम खाना खा लो और इसे मेरे हवाले कर दो। कितनी खूबसूरत आंखें हैं। किसकी? इसकी। और मेरी? वो भी खूबसूरत है। मेरी सखियां भी यही कहती हैं। कितना प्यारा प्यारा। क्या? इसका मुंह। और मेरा? वो भी प्यारा प्यारा है। मेरी सखियां भी यही कहा करती हैं। हैं? खाना छोड़ दिया? पेट भर गया है मेरा। इतनी जल्दी? मैं उतना ही खाता हूँ जितना हजम हो जाए। बहुत छोटा पेट है तुम्हारा। मेरा मामू तो पूरी 5 रोटियां खा जाता है और डिगार तक नहीं लेता। वो पेटू होगा। सूखी रोटियां 5 खाता है, पराठे हो तो 10 खा जाए। एक दिन हैजे से मरेगा देखना। चलो बंसी उठाओ। गाने को जी चाहता है? जाने क्या बात है, आजकल तो नाचने को भी जी चाहता है। ऐसा? मजबूर हाय, लेके दिल चुपके से किया मजबूर हाय, लेके दिल चुपके से क्या मोहब्बत का है यही दस्तूर हाय, किया मजबूर हाय, क्या मोहब्बत का है यही दस्तूर हाय, किया मजबूर हाय, लेके दिल चुपके से किया मजबूर हाय, लेके दिल चुपके से। आँखों ही आँखों में हो, आँखों में आँखों ही आँखों में, जाने क्या घात हुई, जाने क्या घात हुई, बातों ही बातों में जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई, बातों ही बातों में जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई, दिल से जो दिल कहे मुझे मंजूर हाय, दिल से जो दिल कहे क्या मोहब्बत है यही दस्तूर हाय, किया मजबूर हाय, लेके दिल चुपके से किया मजबूर हाय, लेके दिल चुपके से। जिंदगी तुमसे है हो, तुमसे है जिंदगी, तुमसे है मेरे तुम दिल में रहो, मेरे तुम दिल में रहो, रोशनी तुमसे है मेरी दुनिया में रहो, मेरी दुनिया में रहो,
रोशनी तुमसे है, मेरी दुनिया में रहो, मेरी दुनिया में रहो। शमा परवाने से रहे क्यों दूर हाय, शमा परवाने से क्या मोहब्बत का है, यही दस्तूर हाय किया मजबूर हाय, लेके दिल चुपके से किया मजबूर हाय, लेके दिल चुपके से। ये बुढ़ापे में कूला मटकाने का मतलब मालूम होता है कि आज भंग ज्यादा पी ली है तुमने। ये भंग नहीं, जवानी का रंग दिखा रहा हूँ तुम्हें। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लफंगा कौवे नहीं बुलबुल उड़ाने आया है। इससे ज्यादा पूछना चाहते हो तो अपनी लाडली से पूछ लेना। तुम मेरी बच्ची को बदनाम करके रहोगे पोपट, मैं ये बकवास हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बदनाम नहीं कर रहा, खतरे की घंटी बजा रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे रहे तो तुम्हारे साथ मुझे भी सर मुंडवा कर कुएं में कूदना पड़ेगा। क्या बक रहा है? तेरे दिल की तरह तेरी जबान भी काली होती जा रही है पोपट, चला जा यहाँ। चला जाता हूँ, मगर लड़की का खेत में आने जाना बंद कर दो, नहीं तो मूछों के बाल चौराहे में उड़ते दिखाई देंगे। पोपट, मैं इससे ज्यादा एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, जरा धीरे धीरे हो जरा हौले हौले, दे दिल बोरी सखी। चली बादल के संग, मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, जरा धीरे धीरे जरा हौले हौले, दे दिल ओरी सखी। जीता और एक हारा, एक जीता एक
जब तब ले अंगड़ाए दिल ने कहा वो मारा, दिल ने कहा वो मारा, प्यार न जब तब ले अंगड़ाए दिल ने कहा वो मारा, दिल ने कहा वो मारा। कैसा ये पेट पड़ा बांधे के धार गई, बांधे के धार गई, ऐसे में आज मेरे साजन में हार गई, साजन में हार गई, टूटे ना डोर कहीं छूटे ना संग, टूटे ना डोर कहीं छूटे ना संग, जरा धीरे धीरे जरा हौले हौले याद में बैठी हो रानी, कहीं छैला तो नहीं रूठ गया? मजाक छोड़ो जी, हमें तो इस पोपट के बच्चे को ठीक करना होगा जो जबरदस्ती का मामू बना बैठा है और दिन रात मेरी निंदा में लगा रहता है। तो फिर सोचती क्या हो, डंडा उठाओ और दूसरी आंख भी फोड़ डालो। आंख फोड़ने से काम नहीं चलेगा, कोई और तरकीब करनी पड़ेगी। तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसी तरकीब करूंगी कि इस काने को गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। चलो पतंग उड़ा। इंदर मेरा नाम, बिन परियों के नाच के नहीं मुझे आराम। नाचो गाओ रंग रलियां मनाओ जवानी दो दिन की। बचाओ बचाओ धरती का, बचाओ बचाओ। नींद खराब करने के लिए आए हो, क्या हो गया है तुम्हें? जरा दम लेने दो भैया जी, मैं सब कुछ बताता हूँ। बेटा एक गिलास पानी लाना। मालूम होता है आज फिर ज्यादा चढ़ा लिए तुमने, जब हजम नहीं होती तो पीते क्यों हो झक मारने के लिए? भैया के सर की कसम मैं नशे में नहीं हूँ, पूरे चार दर्जन भूत थे, भूतों की फौज और मैं अकेला, मार मार कर कचूमर निकाल दिया है मेरा। नमस्ते कहना भूल गया था भैया जी, अच्छा सुबह मुलाकात होगी।
आप मेरे पलंग पर सो जाइए। और तुम? मैं छत पर चली जाती हूँ। अकेली? मुझे डर नहीं लगता बापू। डरने की क्या बात है भैया जी? दुनिया क्या जाने मेरा अफसाना, क्यों गाए दिल उल्फत का तराना। दुनिया क्या जाने मेरा अफसाना, क्यों गाए दिल उल्फत का तराना। दुनिया क्या जाने, कहीं तो पिया मैं हूँ कहीं। नींद ना आए दिल बस में नहीं, तू है कहीं तो पिया मैं हूँ कहीं। ओ साजन वारे, ओ बालम वारे, चांदनी रातें और ये समा, रुत भी अनोखी दिल भी जवान। कैसे बीते मौसम सुहाना, ओ रात कटे न बिन तेरे पिया, आ जाके ले नहीं लागे जिया। रात कटे न बिन तेरे पिया, आ जाके ले नहीं लागे जिया। ओ साजन वारे, ओ बालम वारे, झिलमिल तारे मस्त हवा, छेड़ दे मुरली आके जरा। ओ, 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 ओ तेरे संग गाऊं मैं ऐसा गाना, सुन सुन के जिसको नाचे जमाना। दुनिया क्या जाने मेरा अफसाना, क्यों गाए दिल उल्फत का तराना। दुनिया क्या जाने।
लाला, तुम यहां इस वक्त आधी रात गए? तुमने बांसुरी बजाई सो मैं चली आई। जब इसकी आवाज सुन पाती हूं सुध-बुध भूल जाती हूं। नहीं जानता था कि इस गांव की राजकुमारी को एक गरीब की बंसरी इतनी पसंद आएगी। तुम अपने आप को गरीब क्यों समझते हो? अगर मैं राजकुमारी हूं तो तुम राजकुमार हो। शायद तुम भूल गई हो कि मैं एक बदनसीब परदेसी हूं। तुम परदेसी थे मगर अब मेरे दिल के मालिक बन गए हो। माला स्वरूप, चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। हो नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत, प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। हो नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। रात आंखों ही आंखों में बसर हो गई, देखते ही देखते सुबह का सितारा निकल आया।
अब मुझे आज्ञा दीजिए। फिर कब दर्शन होंगे? कल रात यहीं पर। नहीं माला, मैं ये नहीं देख सकता कि तुम्हें मेरी खातिर रात को घर से निकलना पड़े। तुम वहीं रहना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तुम आओगे? बहुत अच्छा। मैं छत पर सोती हूँ, रेशम की डोर लटका दूंगी, उसी के सहारे चले आना। चांद की ठंडी छांव में बैठकर मीठी मीठी बातें करेंगे। बहुत अच्छा। कदम उधर उठाती हूँ, दिल इधर खींच कर ले आता है। मैं क्या करूं? किसी के देखने से पहले तुम्हें यहां से चला जाना चाहिए रानी। मोहब्बत का फूल बदनामी का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाऊं? बहुत अच्छा, चली जाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। पकवान पका रही हो बेटा? जीती रहो। सूखी रोटियां चबाते चबाते दाढ़ में दर्द हो गया है, ला तो गर्मा गर्म खाई लूं एक आध। पहले निबट कर तो आइए आप। ये बात है, जब तू गया और आया, मेरे पराठे पर जरा घी चोखा लगाना, चबाने में आसानी रहेगी। ओहो, तो रानी अभी तक चूल्हा चक्की में लगी है। अजी आधा दिन चढ़ाया, मेले में नहीं चलोगी क्या? तुम लोग जाओ, मुझे अभी बहुत काम करना है। काम करना है? सुबह उठकर क्यों नहीं कर लिया? चलो उठो सी की तरह। जिद ना करो जमुना, मैंने कहा ना अभी फुर्सत नहीं। हम एक नहीं सुनेंगे, जाना ही पड़ेगा। लो बेटा मैं निबट आया, ला तो गर्मा गर्म। नमस्ते मामू जी। नमस्ते मामू जी। नमस्ते मामू जी। मामू जी राम राम। सुना था आपको भूतों ने घेर लिया था। अरे भूत ससुर क्या घेरेंगे मुझे, 100 भूतों का मैं खुद भूत हूँ। एक बात तो बताइए। फुर्सत नहीं आना, हट, मेरा पराठा ठंडा हो रहा, घी जम गया तो खाने का मजा जाता रहेगा। हाय हाय। पी 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 पी। म्याओ म्याओ म्याओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जुग जुग जियो, आज खाने का स्वाद आएगा। मैंने कहा बेटा, भूल से कहीं तवा तो नहीं रख दिया है मेरे सामने? पराठा है मामू। भैया जी ने अभी तक कुछ नहीं खाया, पहले उन्हीं को खिला दे। मिलने का वादा कर गए मुझसे वो दिन ढले, सूरज तू आज जल्द चला जा जमीन तले। बिस्तर तैयार है मामू, आराम कीजिए। मेरा ख्याल तो आज छत पर सोने का है बेटा। छत पर? नहीं नहीं मामू, यहाँ सोइए ना, नरम नरम बिस्तर देखिए तो। दरअसल मुझे रात को जोर जोर से खर्राटे लेने की आदत है, जिससे भैया जी की नींद खराब होती है। मैं ऊपर खुली हवा में ठीक रहूंगा।
अच्छा भैया जी आराम कीजिए, सुबह मुलाकात होगी। मगर मामू जी सुनिए तो, इन्हें रात को पानी वानी की जरूरत पड़ती है और मैं ठहरा अफीमी घोड़े बेच कर सो जाता हूँ। मेरा ख्याल है तुम यहीं सो जाओ बेटा। राम राम भैया जी। नहीं नहीं आप ऊपर मत जाइए, सुनिए तो, सुन तो लीजिए। मामू ठीक कहते हैं बेटा, मेरी देखभाल के लिए तुम्हें मेरे ही पास रहना चाहिए। जी चुन चुन कलिया सेज बिछाया अज बेदर दिया जा आज बेदर दिया जा। कर रहा था बच्चू, घी के पराठे ऐसा नहीं हुए। अब बचकर कहां जाएगा, मैं तुझे जेल करा दूंगा। अजीब वही लफंगा कौवे उड़ाने वाला मेरे होते इस घर में डाका डालने आया, ढूंढिए ढूंढिए वो यही होगा। मामू ने आज फिर भंग ज्यादा पी ली थी बापू, सपना देखा होगा। सारे मोहल्ले को सर पर उठा लिया है, जब तक भंग और अफीम नहीं छोड़ेगा ऐसी ऐसे सपने आते रहेंगे, पागल कहेगा। आप लोग मुझे पागल समझते हैं मगर मैं फिर कहता हूँ वो यहीं है, इसी घर में मौजूद है। भागने से पहले गिरफ्तार कर लो, नहीं तो डांटते रह जाओगे भैया जी। अब क्या उठा पटक कर रहे हो, कोई होता तो हमें दिखाई ना देता। मतलब ये कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सर फिर गया है मेरा, सर भी फिर गया है और बुद्धि भी चौपट हो गई है। तुम मोहल्ले में नाक कटवा कर रहोगे हमारी, सीधी तरह चलो अंदर। भैया जी के सर की कसम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम झूठ कभी नहीं बोलते। बदमाश ने उल्टा मुझे को झूठा बना दिया, मगर ठहरिए मैं अपनी सच्चाई दिखाकर रहूंगा। अब रात के बाद मुर्गियों को उड़ाएगा, तू सर फिर गया तेरा, चल अंदर सर। भैया जी भैया जी मैं कहता हूँ जबान बंद कर, ये मेरी इज्जत का सवाल। कोठे पर सोने गया, चल सो जाओ चुपके से। मगर ठहरिए मैं जरा टोकरा देकर आता हूँ। बड़े ही ढीठ हो, अपने
अपना बोरिया बिस्तर उठाओ यहाँ से, मुझे ये लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो खैर चला ही जाऊंगा, मगर अपनी लाडली के पाँव में बेड़ियां डाल दो, वरना उल्टे उस तरह से हजामत हो जाएगी भैया जी। तुम जाओ, लड़की की हिफाजत मैं आप कर लूंगा। अरे ये कम्बख्त काना कहाँ जा रहा है, चलो देखे तो सही। चलो मामूजी नमस्ते। मामूजी राम राम। जय राम जी की मामू। पाए लागू मामू। हाथ में लोटा और बगल में बिस्तर, मालूम होता है आप इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। मालूम होता तुम अंधी भी हो। अरे पगली, ये तो नदी पर जा रहे हैं, नदी पर मछलियाँ पकड़ने के लिए, डूब मरने के लिए। डूब मरो तुम और तुम्हारे साथ ये सब चुड़ैले, बदतमीज कहीं की, जब देखो दिल लगी, जब देखो मजाक, जैसे मैं इन्हें पागल दिखाई देता हूँ। हटो रास्ते से। पारा चढ़ावा दिखाई देता है और हमारे हाथों में खुजली भी हो रही है। तो फिर चलो। आजकल की छोकरियों से भगवान बचाए, जीना मुश्किल कर देती है भले आदमी का। मेरा बस चले तो एक एक का भुर्ता बना दूं, चक्की में पीस डालूं, नाक में दम कर दिया है। राम राम राम। नाराज हो गए मामू, माफ कर दो हमें। हटो जी, काम करो अपना। लाइए इधर, ये मुझे दीजिए। अरे ये सब क्या है? अरे 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 हटा हटा, मुझे मुट्ठी चंपी की जरूरत नहीं। नाराज क्यों होते हो मामू? बस जी, बहुत सता लिया मामू को, अब इन्हें खुश करने के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाने चाहिए। मगर ये पराठे पकाएगा कौन खुश नसीब? अब फैसला यूँ हो सकता है कि मामू की आंखों पर पट्टी बंधे और मामू जिसका हाथ थाम ले वो खुश नसीब, बाकी बद नसीब। भाई मंजूर है? मंजूर मंजूर मंजूर। अरे ये क्या? अरे कौन है तू? अरे बदतमीज, अरे किसने मारा? खैर तो साहब तुम बख्त कौन है? किधर गई? अरे तेरा सत्यानाश, अरे तेरा सत्यानाश, तू बहुत तेज, अरे बात, अरे तू बहुत तेज आ रही। तेरा सत्यानाश, तू कहां से आगे मरने के लिए? चल भाग। ख्याल दिल से भुलाया ना जाएगा, उल्फत की जिंदगी को मिटाया ना जाएगा। तेरा ख्याल दिल से भुलाया ना जाएगा, उल्फत की जिंदगी को मिटाया ना जाएगा। मजबूरियों ने छीन ली मुझसे अगर जबान, मुझसे अगर जबान। मजबूरियों ने छीन ली मुझसे अगर जबान, मुझसे अगर जबान। आंसू कहेंगे, आंसू कहेंगे दिल के उजड़ने की दास्तां, उजड़ने की दास्तां। आंसू कहेंगे दिल के उजड़ने की दास्तां, उजड़ने की दास्तां। आंखों
आँखों से हाल दिल का छुपाया ना जाएगा, उल्फत की जिंदगी को मिटाया ना जाएगा, तेरा ख्याल दिल से भुलाया ना जाएगा, उल्फत की जिंदगी को मिटाया ना जाएगा। लूटो न दुनिया वालों मेरे दिल की तुम खुशी, मेरे दिल की तुम खुशी, लूटो न दुनिया वालों मेरे दिल की तुम खुशी, मेरे दिल की तुम खुशी। अच्छी नहीं है हाय, अच्छी नहीं है हाय, गरीबों से दिल लगी, गरीबों से दिल लगी। अच्छी नहीं है हाय, गरीबों से दिल लगी, गरीबों से दिल लगी। ये घर उजड़ गया तो बसाया ना जाएगा, उल्फत की जिंदगी को मिटाया ना जाएगा। दिन चढ़ा शाम हो गई, सूरज कई बार निकला और कई बार डूबा, पर वो नहीं आए मेरे बेजबान साथी, जो दाग किसी से किसी का कभी हबीब न हो। ये दाग वो है कि दुश्मन को भी नसीब न हो। माला, माला नहीं तुम्हारी खाला। ओ, आप जी? कहिए मजनू महाराज, क्या हाल है आपका? जी अच्छा हूँ, लेकिन मुझसे जरा दूरी रहिए, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दिल का क्या हाल है? बीमार है। तो फिर चलो तुम्हें हकीम के पास ले चलो, मर्ज बढ़ गया तो इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। ये रही लकड़ी, ये रहा प्याला, हा? ले लो, शर्माते क्यों हो? हाँ अच्छा, और मेरे कंधे पर हाथ रखो और चले आओ नाक की सीख। अच्छा अच्छा चलिए। सौभाग्यवती, लोक और देव दर्शन के लिए आगे बढ़ो, चरणों में सर झुकाते ही तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। भगवान तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करे। भैया जी के लिए तंबाकू लाया हूँ, और तंबाकू भी नंबर एक। संभालिया असली खमीरा है। बिटिया कहाँ है? सत्यनारायण की कथा सुनने गई है जमुना के घर। सत्यनारायण की कथा? किसने कह दिया आपसे? उसकी सहेलियां आई थी। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव में बूढ़ा हुआ, पूजा पाठ शादी ब्याह मरना जीना पहले मुझसे पूछा जाता है। जरूर कुछ दाल में काला काला है। तुम्हारे वहम का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, जब आओगे न्या रागल आपते आओगे। आप तो इसी चक्कर में पड़े रहेंगे और आबरू का दीवाना निकल जाएगा। भैया जी चौंकिए, नहीं तो लुटिया डूब जाएगी अपनी। फिर वही बकवास, आज मैं आंखों से दिखा दूंगा। उठिए। मैं तुम्हारी मजबूरियां समझता हूँ माला, आओ भगवान को गवाह जानकर एक दूसरे को वचन दे। भगवान तू अच्छी तरह जानता है कि हमारी मोहब्बत पाक और पवित्र है, हमारे शरीर दो मगर आत्मा एक है। हम तुझे गवाह जानकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए, साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे।
है ये घबरा पर्सन पहले पर किस लिए बैठी है? क्यूरी ये सब क्या है? दिखाई नहीं देता, अंधे हो? तू बड़ी बदनाम है, पहचाना नहीं मुझे? बदतमीज कहीं की? हमारे हाथ में डंडे हैं मामू, जान प्यारी है या नहीं? डंडे से डराती है मुझे? अरे रास्ते से तुम आगे नहीं जा सकते, इसलिए कि तू तो बनकर रास्ते में खड़ी है। बदतमीज कहीं की? माना कहा बताओ। अब क्या होगा, यहाँ तो भागने तक को रास्ता नहीं, चारों तरफ से बंद है। घबराओ नहीं, हम निर्दोष, ये भगवान जानता है। मैं पूछता हूँ माला कहाँ है? माला सुना नहीं तुमने? अंदर पूजा कर रही है। पूजा? देखे तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? किसी के बाप की धौंस है क्या? अजी अंदर जनाना है मामू। तो मुझे भी जनाना समझो। पहले मुझे मुंडा करा। मैं तेरी चोटी क्यों ना खा जानू बदतमीज। रुक जाओ मामू, वरना बहुत बुरा होगा। क्या होगा? मैं टांग तोड़ दूंगी, मैं सर फोड़ दूंगी, मैं खोपरी पिलपिली कर दूंगी। सुन रहे हो भैया जी, ये कमबख्त मरने मारने पर तुली बैठी है। क्या बदतमीज ये जमना, हट जाओ रास्ते से मैं कहता हूँ। आप जा सकते हैं मगर तुम नहीं जा सकते। तुम्हारे बाप का राज है ना? क्या बोला? है ये क्या है? तो ये हो रही है सत्यनारायण की कथा। वाह बिटिया वाह, खूब रोशन कर रही हो बूढ़े बाप का नाम। हमने कोई पाप नहीं किया है, भगवान जानता है, हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। भगवान बेचारा तो मुफ्त में बदनाम होता है बिटिया। गुस्सा तो इस पाखंडी पर आ रहा है मुझे। गरीब समझकर सहारा दिया, बेकस जानकर तरस खाया। क्या खबर थी कि तू मेरे घर में डाका डालने के लिए तैयार हो जाएगा? लातों के भूत बातों से नहीं मानते भैया जी, मैं ठीक करता हूँ इसे। नहीं नहीं, इन्हें कुछ ना कहिए, सजा मुझे दीजिए, कसूर मेरा है। मैं इन पर अत्याचार होते नहीं देख सकती, मैं इन पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। बाप दादा की आबरू चौराहे पर लुटते देख सकती हो, इस बदमाश को सजा मिलते नहीं देख सकती। तुम इस कमीने को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दो पोपट, ये मेरी इज्जत का डाकू है। डाकू को डाके के जुर्म में जेल की चक्की पीसनी होगी। जा माला। अबे चल चले। स्वरूप अगर सलामती चाहती हो तो हट जाओ रास्ते से, डाकू को पना देने वाला भी मुझे समझा जाता है। हट जाओ, हट जाओ, दूर हो जा मेरी नजरों से। हाय राम, तुम तो बात बात पर बिगड़ जाते हो, बीमार क्या हुए? मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया है तुम्हारे। मेरा मिजाज अगर बिगड़ा हुआ होता तो इस घर में राज करने के बदले तू दरबदर की ठोकरें खाती हुई दिखाई देती। तकदीर का एहसान मान जो मैं बिस्तर पर लाचार पड़ा हूं, तूने ही उसको घर से निकाला है, अब तुझे ही ढूंढ कर लाना होगा। तुम अच्छे हो जाओ, दोनों मिलकर ढूंढने निकलेंगे। दवाई? ये दवाई नहीं, जहर है मेरे लिए, मेरे रोग की दवा मेरा भाई है, मेरा प्यारा स्वरूप। हाथों जिंदगी का
लगा कर गुम उठाए क्या अनोखी बात है। चार दिन की चांदनी थी फिर अंधेरी रात है। हम इधर हैं वो उधर हैं बेबसी का साथ है। सगाई के लड्डू झट मंगनी और पट ब्याह, अब इसके सिवा इज्जत नहीं बच सकती। लड़का भी मनपसंद मिल गया है, कहो मंजूर। जैसे तुम्हारी मर्जी, कौन है? चौधरी छगन प्रसाद का इकलौता लड़का ज्योति प्रसाद। 1000 बीघे जमीन है, आलीशान हवेली है, बैल भैंस घोड़ा गाड़ी। सुना है वलायत से एक हाथी भी मंगवाया है। मुझे मंजूर है, ये कही काम की बात। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। नहीं, इसका इंतजाम हम खुद करेंगे। जब तक स्वरूप के बदले ये पोपट का बच्चा पिंजरे में न डाल दिया जाएगा, हम चैन से न बैठेंगे। लिखो जी। क्या लिखूं? खत लिखो, हमें स्वरूप के बड़े भाई को चंदाल मामू के अत्याचार से आगाह करना है। देर हो गई तो माला की जिंदगी तबाह हो जाएगी। पता ठिकाना पूछ कर आई हूँ, वो बहुत बड़े बाप का बेटा है, जब ही कौवा उड़ाया करता था। अरे तो चुप बस, लिखो जी। चौधरी रामलाल जी नमस्ते। चौधरी राम लाला जी नमस्ते। कौन है? तीन आने बेरंग है। तीन आने? ना रे बाबा ना, जहाँ से आई है वहीं भेज दे, हमें नहीं चाहिए ऐसी चिट्ठी। ठहरो जी, ठहरो, लाओ इधर। ओ ना हो, ये मेरे स्वरूप की चिट्ठी है। भगवान करे वो राजी राजी खुशी हो, आखिर उसने मुझे याद तो किया। याद कैसे ना करता, मनी ऑर्डर की जरूरत पड़ गई होगी। स्वरूप जिंदा है या मर गया? खामोश मत जबान, तेरी काली जबान ने आखिर उस निर्दोष को जेल में पहुंचाई। राम जाने क्या बीत रही होगी मेरे लाल। फिक्र क्यों करते हो, मर नहीं जाएगा। बकवास बंद कर, बंद कर बकवास, मैं कहता हूँ। अरे मैं लग गई, मुझे मार डालो, बचाओ बचाओ। नागन का सर कुचलना ही होगा, बिच्छू का डंक तोड़ना ही पड़ेगा, कलेजे के धातुओं को काटना ही होगा। नहीं 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 नहीं, दूर ना मुझे, दूर ना। इस बूढ़े बाप की लाज और खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बेटा। भगवान तुम्हारा मंगल करे। राजा के घर जा रही हो, महारानी बनकर रहोगी, फिर तुम्हें मालूम होगा कि मामू को कितना ख्याल था तुम्हारा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी मांग का सिंदूर चांद और सूरज की तरह दमकता रहे। दूधों नहाओ पूतों फलो। चुप हो जाओ बेटा, शुभ घड़ी में रोना धोना अच्छा नहीं होता।
बाहर इंतजार हो रहा है मामू। चलो बेटा आप लोग चलिए, हम लेकर आते हैं। ऐसा, आइए भैया जी। समय बीता जा रहा है, कन्या को मंडप में लाया जाए। जी हाँ वो रही। दुनिया में ऐ दिल वालो, दिल का लगाना खेल नहीं। उल्फत करना खेल है लेकिन करके निभाना खेल नहीं। जब से हुए हैं दूर वो हमसे, जब से हुए हैं दूर वो हमसे, ढूंढ रही है उनको नजर, ढूंढ रही है उनको नजर। हाय रे ओ बे दर्द जमाने, हाय रे ओ बे दर्द जमाने, ये भी नहीं है तुझको खबर, ये भी नहीं है तुझको खबर। आग लगी है दिल में कुछ ऐसी, जिसका बुझाना खेल नहीं। इस दुनिया में ऐ दिल वालो, दिल का लगाना खेल नहीं। लाख सताए प्यार के दुश्मन, लाख सताए प्यार के दुश्मन, भूल सकेंगे उनको न हम, भूल सकेंगे उनको न हम। और बढ़ेगी उनकी मोहब्बत, और बढ़ेगी उनकी मोहब्बत, जितने भी होंगे जुल्मों से तुम, जितने भी होंगे जुल्मों से तुम। कह दे ये कोई नादानों से, हमको मिटाना खेल नहीं। इस दुनिया में ऐ दिल वालो, दिल का लगाना खेल नहीं। एक चादर की जरूरत है जी। चादर अभी लाया। अरे तू और यहां, ये सब क्या है? वो तुम्हारा वार था, ये हमारा वार है। अब शोर मचाया तो हद कहीं लग जाएगी। इज्जत इसी में है कि खामोश रहो। तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया है मेरा, तबाह कर दिया है मुझे। अब बताओ मूंछ की जीत हुई या चोटी की? चोटी की, चोटी की मानता हूँ बाबा, मगर अब इसे तो छुपाओ, किसी ने देख लिया तो सर मुंडेगी हमारा।
पी लो बेटा, गर्मी बहुत है। पंखा, अजी अब तो दिल की मुराद पूरी हुई। हाय मैं वारी जाऊं, जरा घूंघट तो हटा छबीली। जरा इधर भी तो देखो गोरी। अरे वाह रे गुंगी, कितना निखार आया है तुझ पर। मालूम होता है सुहाग का पिटारा फूट पड़ा। बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, जरा नाच भी तो दिखा दे गोरी। तुम्हारा सत्यानाश जेल भेजे बगाना छोड़ोगी मुझे? मुंह ढापो बुढ़िया उछल कूद के पूरे मोहल्ले को जमा करना। तुम लोग भाग का ध्यान रखो, मैं इसे संभालता हूँ। इस गांव से नगीना छांट कर लिए जा रहे हो दूल्हा महाराज, जरा ला प्यार से रखना, दुल्हन बहुत नाजुक है। वाह 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 वाह, क्या किस्मत पाई है। गुंगी सारे घर को सर पे उठाने लगी थी, मैंने भी होश कर दिया। अब झटपट डोली में डाल दो, भांडा फूट गया तो सबके सब चक्की पीसते दिखाई देंगे। बहुत अच्छा, मैं इंतजाम करती हूँ। अरे है बन्नो शर्माई बैठी है। अरे चलो ये बूढ़े नखरे ससुराल में दिखाना। जान बची और बला टली। किस लिए शर्माई बैठी हो रानी? अजी उठो, तुम्हारी जगह तो गूंगी हलाल हो गई। अरे भाई सुना नहीं, उठो ना। अरे हाय हाय, ये क्या? वो तुम्हारा वार था और ये हमारा वार है। अब बताओ मूछ जीती या चोटी? अब चली जाओ यहां से, नहीं तो मार मार के दुम्बा बना दूंगा दुम्बा। खमीरा है कि अमृत की धारा, पियो और जियो। कश लगाइए। स्वरूप स्वरूप स्वरूप, अरे रे रे रे, कहां घुसे जाते हो बाबा? कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये बताओ कि तुम कौन हो तुम? मेरा नाम पोपटलाल, भैया जी का नाम बिहारी लाल, गांव का नाम नारोवाल, अड़ोस पड़ोस का नाम भी मेरी पोथी में दर्ज है। अब ये बताओ कि तुम्हें मिलना किससे है? अपने भाई से, वो इसी घर में रहता है, इसी घर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बताओ वो कहाँ है? तुम्हारा भाई मेरी पॉकेट में नहीं जो निकाल कर दे दूं, कहीं और ढूंढ जाकर। पागल कहीं का, किसको तलाश कर रहे हो भाई? मेरा भाई मुझे वापस दे दो चौधरी, मैं तुमसे अपना भाई मांगने आया हूँ। वो घर से रूठ कर यहाँ चला आया था नाराज होकर। अब समझा तो तुम उस कौवे उड़ाने वाले के सगे हो? जी हाँ, कहाँ है मेरा भाई, मेरा स्वरूप? जेल में चक्की पीस रहा है, वहीं जाओ। जेल में? तुम्ही ने उसे जेल में डाला है, तुम्ही को छुड़ाना होगा। मेरा भाई मुझे वापस दे दो, वरना मैं गला घोट दूंगा तुम्हारा।
भैया जी देखिए देखिए, अबे छोड़ छोड़ता का नहीं बाजी कहीं का। ये क्या डोली की गर्मी से बेहोश हो गई, तू मुंह क्या देख रहा है? वैद्य जी को ला जल्दी से। हाथ पांव तो पहले से ठंडे हो रहे हैं, तू पंखा किस लिए जल रही है? जा रहे हो भैया इतनी जल्दी, फिर कब आओगे? ठहरो भाई ठहरो ठहरो, बहुत जल्दी है तुम्हें, अपने प्यारी को भी भूल गए? जी चल मेरे साथ चल। आप कौन? मैं आपको नहीं पहचानता। नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? गौर से देखो मैं तुम्हारा भाई। भैया तुम और इस हाल में? मेरे प्यारे मैं तेरी खोज में सर्वदर की ठोकरे खा रहा हूँ, घर चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर? नहीं नहीं मैं घर नहीं जा सकूंगा भैया, टूटा हुआ तारा लौट कर फिर आसमान पर नहीं जाता। मैं जानता हूँ तुम पर बड़े अत्याचार हुए, मगर मैं तुम्हारे दुश्मनों से इस अपमान का बदला लूंगा। तुम वापस चले जाओ, तबीयत बहुत खराब मालूम होती है तुम्हारी। ये तो उसी दिन से खराब है जब से तुम मेरी आंखों से ओझल हो गया। तू घर चल, मैं दो ही दिन में अच्छा हो जाऊंगा। अब मेरा कोई घर नहीं है भैया, मैं नहीं जाऊंगा। स्वरूप मेरी तरफ देख, मेरे आंसुओं की तरफ देख, शरीर का लहू आंसू बनकर बह गया है तेरे गम में, अब तो सिर्फ आहें रह गई हैं कलेजा फूंकने के लिए। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है भैया, अब मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूं। नहीं नहीं ये ना होगा मुझसे, हवेली सुनी पड़ी है, माँ बाप की आत्मा बेताब है, हर तरफ दुख के बादल छा गए हैं, मेरे जीवन का दीप इस तूफान का मुकाबला न कर सकेगा जरूर। मगर मैं मजबूर हूँ भैया, बिल्कुल मजबूर, मेरा ख्याल छोड़ दो। तुमने अपनी बीवी का खून किया है। सो भैया जल्लाद मामू ने जबरदस्ती बेजुबान गाय को कसाईयों के हवाले कर दिया और हम सब हाथ मलते रह गए। हो सके तो उसे बचा लो, वो तुम्हारी थी और मरते दम तक तुम्हारी ही रहेगी। छुटे असीर तो बदला हुआ जमाना था, न फूल थे न चमन था न आशियाना था। मोहब्बत का दस्तूर देखा, दस्तूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। ओ निराला मोहब्बत का दस्तूर देखा, दस्तूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। मारों की हालत न पूछो, मोहब्बत के मारों की हालत न पूछो, हालत न पूछो। ओ
जुदाई के सदमों से दिल चूर देखा, दिल चूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। ओ, ओ, ओ निराला मोहब्बत का दस्तूर देखा, दस्तूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। दिल से क्या हम पे गुजरी, कहे हाय किस दिल से क्या हम पे गुजरी, क्या हम पे गुजरी। ओ, तुझे अपनी दुनिया से जब दूर देखा, जब दूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। मोहब्बत का दस्तूर देखा, दस्तूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। मुबारक हो भैया, मैंने कहा मुबारक हो। क्या है? बुलबुल चहक रही है और तुम कानों में उंगलियां दिए बैठे हो, उठो। बात क्या है? 8 दिन से धूनी रमाए बैठे हो, अंदर जाओ, इंतजार हो रहा है। उसे होश आया? उसे तो होश आ गया, मगर तुम अभी तक बेहोश पड़े हो। ओ, 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 ओ। आठ दिन से दर्शन के लिए तरस रहे थे, भगवान का शुक्र है आज आपको होश तो आया। कहिए अब क्या हाल है? शर्मा रही हैं आप? जब देवताओं के आशीर्वाद ने हम दोनों को एक कर दिया है तो शर्म की दीवार कब तक खड़ी रहेगी? आइए इसे मिलकर गिरा दें और बैठकर मीठी मीठी बातें करें। कृपा करके मुझसे अलग रहिए और दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश न कीजिए, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म नष्ट हो जाएगा? ये भी एक ही कही, मैं तुम्हारा पति देव हूँ। चलिए आओ, चलिए आओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर जुल्म ना कीजिए। जोर आजमाना चाहती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। वाह भैया वाह, आप तो पहले ही मुलाकात में जोर आजमाने लगे, आज ही तो बेचारी को होश आया है। तू किस लिए आई है? जा काम कर अपना। आप ही कृपा करके तशरीफ ले जाइए, मेरे होते हुए मेरी भाभी को आप परेशान नहीं कर सकते। भाग जा मैं कहता हूँ। तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, बुला माता जी को। चुप रह वरना गला घोड़ दूंगा। गला घोड़ दोगे? माता जी, माता जी। तेरा सत्यानाश तू नहीं मानेगी। क्या है, काहे को रो रही है ये? अब देखिए ना माता जी, भाभी बीमार है और भैया। इसकी बातों में ना आइए माता जी, आइए मेरे साथ। आज तो हम अपनी भाभी से मीठी मीठी कहानियां सुनेंगे, सुनाओगी ना भाभी, मेरी अच्छी भाभी? तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ।
दिल याद करो भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले। मिला था दिल से जब दिल, याद करो भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले। उसी बीते जमाने का सहारा लेके आया हूँ तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। जिगर में दर्द दिल में टीस और आँखों में दो आंसू, अरे आँखों में दो आंसू। जिगर में दर्द दिल में टीस और आँखों में दो आंसू, रे आँखों में दो आंसू। जरा तू देख ले आकर मैं क्या क्या लेके आया हूँ तुझे पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था, वो अफसाना मोहब्बत का कभी जो तूने छेड़ा था, कभी जो तूने छेड़ा था, वही अफसाना हूँ तू पर अधूरा लेके आया हूँ। तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। बड़ी दर्दनाक कहानी है, मगर इसके बाद क्या हुआ भाभी? होना क्या था, तकदीर की मारी बेरहम मामू के हाथों चक्की के पाट में आ गई। भाभी अगर मेरा बस चलता तो उस बदनसीब लड़की को चक्की के पाट तोड़कर आजाद कर देती, मगर अब वो लड़की कहाँ है, किस हाल में है, किस तरह अपने दिन काट रही है ये भी तो बताओ। आंखों में सावन भादों की झड़ी लिए अब वो बदनसीब लड़की तुम्हारे सामने बैठी है। भाभी ये तुम क्या कह रही हो भाभी, सच सच बताओ फिर क्या हुआ? जितनी कहानी मुझे याद थी सुना दी है, इसके बाद क्या होने वाला है ये तुम अपनी आंखों से देखती जाओगी। भाभी तो क्या तुम ही अपनी विपता मुझे कहानी के रूप में सुना रही थी? नहीं नहीं, मैं ये अत्याचार ना होने दूंगी तुम पर, तुम किसी और की अमानत हो, मैं भैया को इस अमानत में खयानत ना करने दूंगी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। ¶¶
इस मुलाकात को तुम्हारी मेहरबानी समझूं या अपनी आंखों का असर? मैं इसे अपना सौभाग्य समझती हूं सर। तकदीर ने एक बार फिर हमें एक दूसरे से मिला दिया है। याद है वो वचन जो भगवान को गवाह जानकर हमने एक दूसरे को दिया था? याद है, उसी वचन का पालन करने के लिए तो मैं आज तक जी रही हूं। फिर ये बेवफाई कैसी? बेवफाई? हाथ थाम कर बाजू तोड़ दिया, मंजिल दिखाकर साथ छोड़ दिया, मेरी होकर पराई बन गई। तुमने एक गरीब परदेसी पर ऐसा जुल्म क्यों किया है माला? ये तुमने क्या कहा? मोहब्बत को बदनाम ना करो स्वरूप। अगर भगवान की जबान होती तो वो इस बात की गवाही देते कि माला कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। दिल लगी न करो माला, अब तुम पराई हो,
तुम्हारी शादी? वो शादी मेरी नहीं, किसी और की हुई थी सरू। बेरहम मामू ने मुझे बेहोश करके दुल्हन की जगह डोली में डाल दिया था। किस्मत में जुदाई की घड़ियां और दरबदर की ठोकरें लिखी थी। भगवान जानता है मेरी आत्मा शुद्ध और शरीर पाक है। माला, मोहब्बत की देवी, मुझे माफ कर दो। अब यकीन हो गया कि मेरी किस्मत का सितारा आज भी चमक रहा है। अब हम पल भर के लिए भी एक दूसरे से जुदा ना होंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, मगर इस नगरी का बच्चा बच्चा हमारी जान का दुश्मन हो गया है। आओ किसी ऐसी दुनिया में भाग चले जहाँ इन जल्लादों का साया भी ना पड़ सके हम पर। मेरा साया तुम्हें दूसरी दुनिया में भी चैन से ना बैठने देगा। अब मालूम हुआ कि तुम पर कौन सा भूत सवार था। पति के विश्वास को धोखा देकर आधी रात के समय इस बहरूपी से रात लीला रचाने आए हो। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। ठहरो, मेरे होते तुम इस देवी को निशाना नहीं बना सकते। माला से पहले तुम्हें मेरा खून करना होगा। मैं तुझे भी ढेर कर दूंगा। पाखंडी, तू पराई स्त्री की लाज लूटने आया है, अलग है। नहीं नहीं, ये मुझसे जुदा नहीं हो सकते। अब इन्हें कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता। ये मेरे देवता हैं। ये तुम्हारा देवता है और मैं कौन हूँ तुम्हारा? कोई नहीं, तुम मेरे कोई नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं पहचानती। मुझे नहीं पहचानती? गठबंधन भूल गई, फेरे भूल गई, पति और पत्नी का संबंध भूल गई? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ और ना ही मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ। चले जाओ यहाँ से। मालूम होता है कि इस बहरूपी ने तुझ पर जादू कर दिया है, मगर मैं इस भूत को उतार कर रहूंगा। खबरदार, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कलंकनी आधी रात के समय खानदान की नाक कटवाने गई थी। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। पापी आप हैं जिन्होंने एक मजबूर लड़की को जबरदस्ती अपने घर में कैद कर रखा है। मुझे जाने दीजिए। अब तू इस घर से जिंदा नहीं, मरने के बाद ही निकल सकती है। मैं तेरा खून कर दूंगा। जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो ज्योति? हट जाइए पिताजी, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मगर इसे मारकर तुम खुद फांसी पर चढ़ जाओगे। ज्योति रुक जाओ, मैं कहता हूँ। फांसी, कैद, सूली या भुजा, किसी चीज का डर नहीं। मेरे सर पर खून सवार है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इस पापन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने बूढ़े बाप और माँ को बेसहारा बनाना चाहते हो? नहीं नहीं, ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इधर लाओ बंदूक, इधर लाओ, मैं कहता हूँ। आप बंदूक छीन कर मेरा इरादा नहीं बदल सकते। अब इसे काल कोठरी में घुल घुल कर मरना होगा। रुक जाओ भैया, पापी, 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 अब तुम मरने के बाद ही इस कोठरी से निकाली जाएगी। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। माला भी गई और भैया जी भी गए। अब इस घर पर अपना राज है। वाह रे मैं, एक आंख में इतनी करामत है। अगर दोनों सलामत होती तो सारी दुनिया को नचा देता। खैर फिर पिताजी, नमस्ते पिताजी। आधी रात के समय आपने क्यों तकलीफ उठाई? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उठाओ, दूसरी दुनिया में चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं यही अच्छा हूँ पिताजी। दूसरी दुनिया में चला गया तो आपका नाम कौन रोशन करेगा? घर में दीप कौन जलाएगा? दान दक्षिणा कौन दिया करेगा? तुम इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहे। तुम पापी हो। पापी? आपका सबूत पापी? आप भूल रहे हैं पिताजी,
आत्मा भूल नहीं कर सकती। तुमने चौधरी बिहारी लाल के धन दौलत पर कब्जा जमाने के लिए उसे सोते में गला खोंट कर मार डाला। उसकी निर्दोष बच्ची को धोखा देकर एक गैर आदमी के हवाले कर दिया। तुम इंसान नहीं शैतान हो। मैं शैतान? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? क्षमा करना, आपको धोखा हुआ है, मगर मैं धोखा नहीं खा सकता। चंचल छोकरी, मैं तेरे छल फरेब को अच्छी तरह समझता हूँ, मैं तुझे भी मार डालूंगा। जमना से पहले तुझे मरना पड़ेगा। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ 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 हाँ, ये क्या है? अरे मैं मर गया, रहम करो रहम करो, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, बदला कहो बदला। एक दो तीन, बोल, जिंदगी चाहिए या मौत? जिंदगी जिंदगी जिंदगी। जिंदा रहना है तो माला को उस कैद से छुड़ा कर लाना होगा। ये मुझसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं। झुलाओ झूला। जब तक इसके मुंह से हाँ ना निकले झुला दी जाओ। को तुमसे छुड़ा रहा है, ए जालिम जमाना मुझको तुमसे छुड़ा रहा है। अंजाम जिंदगी का, अंजाम जिंदगी का नजदीक आ रहा है। जालिम जमाना मुझको तुमसे छुड़ा रहा है। बीते दिनों के नगमे दिल आज गा रहा है। दुनिया में जैसे अपनी, दुनिया में जैसे अपनी कोई भुला रहा है। बीते दिनों के नगमे दिल आज गा रहा है। तुझको कसम है आकर सूरत जरा दिखा जा, सूरत जरा दिखा जा। दीवाना देख तेरा दुनिया से जा रहा है। बर्बादियों का अपनी शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं
बारो चलना सो रहा है, दिन चढ़ने से पहले निकल जाओ भाभी, मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। दया की देवी, तू भगवान का रूप है, वक्त बर्बाद ना करो, किसी के जागने से पहले तुम इस काल कोठरी से चली जाओ, मैं तुम्हारी सलामती की प्रार्थना करूंगी। उठो। माला कहाँ है बताओ? मुझे क्या मालूम? तू नहीं जानती? बहुत अच्छा है। नादान छोकरी ने दुल्हन के बदले डैन को डोली में डाल दिया था। अच्छा हुआ आपने पहचान लिया, आपकी स्त्री वो नहीं, ये है। संभालिए अपनी अमानत। एक बार ठग चुका, अब दूसरी बार ठगने आया है। गोली चला रहा है, पंछी उड़ गए, पिंजरे खाली धरे हैं। देवी मुझे माफ करना, दुनिया के सितम इन पे सदा हो नहीं सकते, ये ऐसे मिले हैं कि जुदा हो नहीं सकते। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी।